काफी थक चुके हैं हम अभी। कूड़ा बहुत फैलाया हुआ है इस जगह पे, कुछ फोटोग्राफ्स को बेकार कर रहा है कूड़ा, तो प्लीज कूड़ा ना फैलाएं। एक पिक्चर की खातिर। फाइनली सनसेट हो चुका है और लग रहा है आपको काफी गजब व्यू है। तो पारस भैया हमारे फोटोग्राफी करते हुए काफी थक चुके हैं हम अभी तक। समथिंग 12 से 13 मिनट में हमने नीचे डॉनकी बैंड से यहाँ तक का सफर तय किया है। नीचे की क्लाउड्स पैटर्न देख के ऐसा लग कि अच्छा व्यू होगा नीचे, ठीक है वो आपको दिखाने आ रहे हैं। तो भाई इस ब्यूटीफुल से नज़ारे को देखने के लिए काफ़ी तेज हम चल के आए हैं, सांसें भी फूल रही हैं हमारी। ये है द ओशियन ऑफ क्लाउड्स, गजब व्यू है ये। लास्ट सनलाइट के संग जब हम इसे कैप्चर करेंगे मजा आ जाएगा आपको। इस खड़ी चढ़ाई को चढ़ते हुए हमने जाना है नैना पीक की ओर को, ठीक है। इसमें दोनों साइड खाइयां हैं कैलाश, और अगर आप इधर देखेंगे तो ये नीचे वाला रास्ता ही है, मेन रास्ता हमने छोड़ दिया है। एक ब्यूटीफुल सनसेट की खोज है हमें यहाँ से। आगे कुछ बंदे हमारे जा रहे हैं, कुछ ब्यूटी शॉट्स दिखाएंगे यहाँ से हम आपको। सनसेट हो गई है, काफ़ी खूबसूरत विंटर लाइन दिखाई दे रही है पीछे, और क्लाउड तो इनका नज़ारा ही कह गया ना, गजब व्यू है। तो पारस भैया हमारे फोटोग्राफी करते हुए ऐसा ही कुछ व्यू खींच लाता है हमें बार बार इस नैना पीक की ओर को। फाइनली सनसेट हो चुका है और आवर नेचर यहाँ पे। गजब एक्सपीरियंस है ये, ऐसा मौसम कभी कभी होता है जब इस तरीके से क्लाउड्स आते हैं। नितेश भैया हमारे साथ हैं, नितेश भैया कैसा लग रहा है आपको? हाँ काफ़ी गजब व्यू है का, और कोई देखने को नहीं मिल रहा है इस टाइम पे यहाँ पर। और एक बड़ी शिकायत है हमारी, कूड़ा बहुत फैलाया हुआ है इस जगह पे, कुछ फोटोग्राफ्स को बेकार।